वेलकम टू सजीत बाइक टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज का जो वीडियो का टॉपिक है BS6 बाइक लेकर क्यों वीडियो बना रहा हूँ। आप सब मैकेनिक भाई हमारे चैनल में जुड़े हो और मेरा काम है आप लोगों को BS6 बाइक की जानकारी देना। क्यों? अभी जितना भी बाइक आ रहा है सब BS6, तो BS6 बाइक की अगर आप लोगों को जानकारी ना हो तो आप लोग जैसे कि बाहर का मैकेनिक जो आप लोग है हम लोग टिक नहीं पाएंगे और सब गाड़ी चल जाएगा डीलर के पास, तो हम लोगों का जो फ्यूचर है बेकार हो जाएगा। तो आज आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जो BS6 बाइक की काम लोग आप लोग कर सकेंगे। अब BS6 बाइक में हम लोग का जो सिस्टम होता है FI सिस्टम, अब FI सिस्टम और किस तरह से करता है इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, तभी आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप लोगों को FI की जितना भी नॉलेज है, ACM किस तरह से काम करता है, एक्चुएटर किस तरह से काम करता है, सेंसर किस तरह से काम करता है, सारे का सारे चीज़ इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आते हैं बाइक पर हम लोगों का जो FI सिस्टम है ये वर्क किस तरह से करता है, तभी आप लोग यानी कि जान कर पाएंगे। तो एक FI सिस्टम जो होता है, पहले का जमाने में आप लोगों को देखने को मिल रहा था FI सिस्टम अलग सिस्टम था, और आज जो सिस्टम कंपनी ने किया है इसका अलग सिस्टम। क्योंकि बाइक पहले जो बाइक था उसमें सेंसर हम लोगों को कुछ कम देखना दे रहा था, अभी जो सेंसर है उसमें हम लोगों को कुछ अलग प्रकार की सेंसर देखने को मिल रहा है। अब उसका काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बाइक पर जो हम लोग का सेंसर होता है कितने प्रकार का सेंसर होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ एक हम लोग को दिया जाता है इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर। इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा ज्यादा से ज्यादा कंपनियों का बाइक में, यानी कि ब्लॉक किट पर, ठीक है, ब्लॉक किट पर देता है। ये सेंसर हम लोगों का क्या काम करता है पहले वो आपको बताता हूँ। जब बाइक का इंजन हम लोगों का ठंडा रहता है, जब सुबह बाइक स्टार्ट करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, ये इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर ACM को बताता है। ये जो ACM है ACM को बताता है जो इंजन हम लोगों का ठंडा है इसमें फ्यूल और एयर का मिश्रण जो है आप अपने हिसाब से बनाइए, जिसमें कि इंजन का RPM हम लोगों का 1500 से 2000 RPM बढ़ जाए, और बाइक का इंजन जब गर्म हो जाएगा तब ऑटोमेटिक क्या करेगा, फिर ये सेंसर बताएगा कि इंजन गर्म हो चुकी है, आप अपना काम छोड़ दीजिए, पहले जिस हिसाब से रहना है उस हिसाब से कर दीजिए। तो इसका काम क्या है, ऑटो चोक करना। बाइक पर जो हम लोग का पुराना मॉडल में आप लोगों को देखने को मिल रहा है यानी कि चोक सिस्टम मैनुअल चोक, अब इस बाइक में ऑटो चोक सिस्टम कर दिया है। इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर जो होता है वही डिटेक्ट करके यानी कि ACM को बताता है, और चोक का काम ACM ही करता है। उसी दौरान हम लोग का टैंकी के अंदर फ्यूल यानी कि मैप सेंसर के वहाँ हम लोग का प्रेशर जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा आती है और RPM हम लोग का बढ़ जाता है। तो आप लोगों ने समझा इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर का काम क्या है। अब चलिए चलते हैं ऑटो सेंसर के बारे में। तो फ्रेंड्स आते हैं ऑटो सेंसर के बारे में, जो BS6 बाइक में आप लोगों को ये अलग से देखने को मिल रहा है ऑटो सेंसर। किसी किसी बाइक में आप लोगों को साइलेंसर में देखने को मिलेगा, किसी किसी बाइक में आप लोगों को हेड के अंदर एग्जस्ट में देखने को मिलेगा। इसका काम क्या है, तो फ्रेंड्स इसका काम यही है जो हम लोग का यार का मिश्रण जो जल के आते हैं वो डिटेक्ट करता है। अगर ये यानी कि डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो बाइक में माइलेज हम लोग का खराब आ जाएगा। क्यों? ये सेंसर हम लोग को डिटेक्ट करेगा कि इसका जो हम लोग का इंजन से जो फ्यूल जल के आ रहा है किस परिमाण से जल के आ रहा है। अगर ज़्यादा आ रहा है तो फिर ये डिटेक्ट करके ACM को बताता है कि ज़्यादा आ रहा है। ये अगर सही रहेगा तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा और ACM को हम लोग को बताएगा जो एक्चुअली बाइक में माइलेज हम लोग का ज़्यादा खराब देखने को मिल रहा है, तो ऑटोमेटिक ये ठीक कर देगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज का अगर प्रॉब्लम होता है तो ये ऑटो सेंसर हम लोग को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं और एक्चुअली हम लोग का क्या होता है माइलेज खराब हो जाता है। तो ये ऑटो सेंसर का काम है सिर्फ हम लोगों को जो इंजन में स्टार्ट होकर जो हम लोगों का मिश्रण आती है जो जलानी आती है उसे डिटेक्ट करना कि फ्यूल कितने मात्रा से खा के आती है, ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं, ये सब डिटेक्ट करके ACM को बताते हैं। अब चलिए दूसरा सेंसर के आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स ये है हम लोगों का एक TP सेंसर यानी कि टोटल पोजिशन सेंसर। टोटल पोजिशन सेंसर ये भी है, ठीक है, ये टोटल पोजिशन सेंसर है। इसका काम क्या है, तो फ्रेंड्स जब हम लोग बाइक को चलाते हैं, तीन आदमी अगर बाइक में रहता है तो टोटल जब हम लोग घुमाते हैं तो टोटल किस पोजीशन में रहता है, यहाँ जब हम लोग ज़्यादा करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल की हम लोग का जो स्लाइड होती है वो हम लोग का खुलता है, तो कितना परिमाण से टोटल हम लोग का खुलता है और वो डिटेक्ट करता है कि इसके अंदर से हम लोग का यार जो होता है यार फिल्टर से यार की मिश्रण कितनी
हिसाब से हम लोगों को चाहती है, उसी हिसाब से एसीएम को भी ये भी बताते हैं कि इतना इसका टोटल खुला है, इस हिसाब से यहाँ से यार जाती है। ठीक है, ये तो आप लोगों ने समझ लिया, ये हम लोग का जो है टीपी सेंसर, टोटल पोजिशन सेंसर। अब होता है हम लोग का बाइक में एक हम लोग का मैप सेंसर। यहाँ देखिए, ये जो सेंसर है ये हम लोग का मैप सेंसर है। मैप सेंसर का काम क्या है गाइस? मैप सेंसर का काम यही है, जो हवा की जो प्रेशर है वो कितनी तेज से जाती है ये डिटेक्ट करके ये भी एसीएम को बताते हैं कि बाइक में हम लोग का इतना यार जा रहा है। और फ्यूल के मिश्रण से, जैसे कि टैंकी से फ्यूल पंप देता है। ये जो हम लोग का मैप सेंसर है, मैप सेंसर का काम क्या है, इसका जो यार का मिश्रण है कितना तेज से जा रहा है यही डिटेक्ट करके बताते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा ये हम लोग का जैसे कि मैप सेंसर होता है, एटीपी सेंसर होता है। अब आते हैं बाइक का फ्यूल के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ देखने को मिलेगा इंजेक्टर। अब इंजेक्टर का काम क्या है, फ्यूल को यानी कि जैसे कि फ्रेश से पतला से जैसे कि आप लोगों को क्या बताऊं, सिस्की करके भेजता है, जैसे कि फ्यूल को फटा के भेजता है इसके अंदर। और वो उसके अंदर छोटा छोटा सुराग रहता है, सुराग अगर बंद हो जाता है तो हम लोगों का इंजेक्टर जैसे कि फ्यूल की सप्लाई नहीं दे पाएगा। अब टैंकी के अंदर होता है हम लोग का मोटर, फ्यूल पंप। फ्यूल पंप से हम लोग का जो पेशार है, पेशार कितने प्रकार से जाएगा, जैसे कि एक हम उसका भी एक हम लोग का लिमिटेड होता है, मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, ये जो हम लोग का मीटर है इससे हम लोग पता कर सकते हैं जो फ्यूल का मिश्रण जो है, फ्यूल का जो पेशार है कितनी स्पीड से जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का 40 के आसपास में देखने को मिलेगा, अच्छा फ्यूल पंप रहे तो, यानी कि 30 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है। 30 के अगर नीचे हो जाएगा तो फ्यूल पंप की प्रेशर हम लोग का कम जाता है, उसी दौरान हम लोग का टैंकी के अंदर फ्यूल पंप बदलना पड़ता है। अब कुछ भाई के पास यानी कि बजट कम होता है तो वो क्या करता है, खाली मोटर चेंज कर देता है, और किस भाई का अगर बजट ज़्यादा है तो वो पूरा सेट लगा देता है। तो बाइक में हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है फ्यूल पंप की। तो कभी भी बाइक अगर जैसे कि मिसिंग करे तो आप लोग क्या क्या काम करें तो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप लोग थ्रोटल खींचते हैं हल्का करके, अगर बाइक हम लोग का बंद हो जाता है तो उसी दौरान हम लोग का होता है जो मैप सेंसर, इसके अंदर थ्रोटल का सिस्टम जो होता है हम लोग का ड्रस बढ़ जाता है और कुछ मिसिंग करना शुरू हो जाता है। अब प्रॉब्लम और भी एक बताता हूँ, जब थ्रोटल हम लोग ज़्यादा खींचते हैं उसी दौरान अगर बाइक में मिसिंग करता है तो आप लोग वो दो चीज़ देखना है, एक हम लोग का होता है इंजेक्टर और एक हम लोग का होता है फ्यूल पंप। तो दोनों में से एक भी अगर मिसिंग करेगा तो हाई पिकअप पर हम लोग का मिसिंग करेगा, और स्लो पर अगर हम लोग का बाइक स्टार्ट गिरता है, छोड़ा थ्रोटल घुमाते हैं और जैसे कि आरपीएम सही नहीं आता है, स्टार्ट गिर जाता है स्टार्ट करने के बाद, तो आप लोगों को थ्रोटल बॉडी खोल के एक बार क्लीनर से वॉश करना पड़ेगा। और किस चीज़ से वॉश करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप लोग अगर थ्रोटल बॉडी वॉश करते हैं तो आप लोगों को यानी कि थ्रोटल बॉडी क्लीनर से वॉश करना पड़ेगा। आप लोगों को ये सब प्रोडक्ट अमेजोन से मिल जाएगा, इसी से आप लोग थ्रोटल बॉडी को वॉश कर सकते हैं, पेट्रोल से नहीं। अब चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं बाइक में हम लोग का होता है एसीएम। एसीएम का काम क्या है? तो फ्रेंड्स, मेन पॉइंट होता है हम लोग का एसीएम। एसीएम का काम हम लोग का होता है कंट्रोलर यूनिट, पूरा सिस्टम को यही कैप्चर करता है। अब कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बाइक को हम लोग इग्निशन ऑन करेंगे तो यहाँ आप लोगों को दिया जाता है चेक इंजन मालफंक्शन इंडिकेटर लाइट। ये क्या करता है, ये आप लोगों को जैसे कि डिटेक्ट करता है जब हम लोग बाइक को स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, बाइक स्टार्ट करने के बाद ऑटोमेटिक इग्निशन लाइट, बाइक स्टार्ट करने के बाद ऑटोमेटिक चेक इंजन लाइट जो है वो हम लोग का चला गया है। अब उसका काम क्या है मैं बताता हूँ। ये मालफंक्शन लाइट इसीलिए हम लोग को दिया गया है कि बाइक में अगर कोई भी सेंसर, कोई भी वायर कट होता है, कोई भी जैसे कि समस्या होता है तो यानी कि डिटेक्ट कर पाएगा। अब क्या क्या चीज़ में आप लोगों को डिटेक्ट कर पाएगा मैं आपको बताता हूँ। इंजेक्टर अगर खराब हो जाएगा तो भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, फ्यूल पंप अगर जैसे कि शॉर्ट हो जाएगा तो डिटेक्ट कर पाएगा, लेकिन प्रेशर कम जाएगा तो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अब यहाँ हम लोगों को देखने को मिलेगा इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर अगर खराब है तो ये डिटेक्ट कर पाएगा, लाइट जल जाएगा। जैसे कि ये कपलर आप लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन सेंसर का है, ऑटो सेंसर का, वो अगर हम लोग का जैसे खराब हो जाएगा या वायर कट जाएगा तो डिटेक्ट कर पाएगा। यानी कि ये जो हम लोगों का टीपी सेंसर है, मैप सेंसर, ये सब हम लोगों का वायरिंग अगर खराब हो जाएगा या टोटली खराब हो जाएगा तो डिटेक्ट कर पाएगा। इग्निशन कॉइल अगर हम लोगों का मिसिंग करेगा या वायर कट जाएगा तो भी डिटेक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर मान लीजिए बाइक को आप लोग बंद करते हैं और इग्निशन ऑन करने के बाद ये लाइट अगर नहीं जलते हैं
जैसे कि अभी जला हुआ है, नहीं जलते हैं तो आप लोगों का बाइक में करंट नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम लोग का इग्निशन ऑन है और ये वाला जो वोल्टेज आप लोग दिख रहा है, ये सीएम के अंदर वोल्टेज हम लोग का रेडी है, इसीलिए ये लाइट जल रहा है। और एसीएम जब हम लोग का बाइक स्टार्ट हो जाएगा तो उसी दौरान उसके अंदर से ग्राउंड मिसिंग कर देगा, बंद कर देगा, बस ये लाइट बंद हो जाएगा। तो अगर कोई चीज़ अगर फॉल्ट है तो एसीएम जैसे कि बताएगा पूरा सिस्टम को, उस लाइट को, कि आप जल जाओ, बाइक में कोई दिक्कत है। जब कभी भी अगर बाइक चलते चलते ऑटोमेटिक यहाँ मालफंक्शन लाइट जलते हैं तो ऑटोमेटिक कोई भी डीलर के पास हो और कोई भी मिस्त्री के पास आप लोग जैसे कि चेकअप कर सकते हैं। अब वो कैसे चेकअप करेगा मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप लोगों को एक जरूरत होता है स्कैनर मशीन, कार के लिए, बाइक के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं जो हम लोगों का मालफंक्शन लाइट जो आ रहा है वो स्टार्ट होने का बाद अगर रिमूव नहीं होता है तो इसे आप लोग काफ़ी सारे चीज़ चेकअप कर सकते हैं, जो कौन सा सेंसर आप लोगों का ख़राब हुआ है, कौन सा एक्चुएटर काम नहीं कर रहा है, कौन सा सेंसर काम नहीं कर रहा है, इसके माध्यम से आप लोगों को यानी कि पता चल जाता है जो एक्चुअली क्या फॉल्ट हुआ है ना। अब मान लीजिए आपको पता चल गया है जो आपका इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर ख़राब है, तो आपने नया लगा दिया। अब नया लगाने के बाद बाइक को आप लोग स्टार्ट करते हैं तो ये चेक इंजन लाइट नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि एसीएम को पता नहीं है जो आपने ये इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर लगाया है, क्योंकि पहले का डाटा जो था स्टार्ट जब हुआ था उसी दौरान चेक इंजन लाइट जलता था, उसी डाटा इसके अंदर हम लोग का मौजूद है। तो उसके लिए हम लोग को स्कैनर मशीन से इरेज कोड करना पड़ेगा, यानी कि क्लियर डाटा करना पड़ेगा, अपडेट करके बताना पड़ेगा जो मैंने एक्चुअली इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर लगा दिया है। तो वहाँ से फिर क्या करेगा, पूरा लाइट को वो रिमूव करेगा, जैसे कि उसको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने लगा दिया है, और डाटा करने के बाद, डाटा क्लियर करने के बाद उसी वक्त लाइट बंद हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या क्या ज़रूरत है मैं आपको बताता हूँ। एक यानी कि फ्यूल मापने का मशीन मीटर, इससे आप लोगों का फ्यूल का जो प्रेशर है ये आप लोगों को जैसे कि बताया 30 के ऊपर होना चाहिए, तभी बाइक का वर्क करेगा। अब यहाँ देखिए एक स्कैनर मशीन और एक हम लोग का यूनिवर्सल बाइक की कपलर। तो बीएससी बाइक की काम करने के लिए आप लोगों को एक मीटर की ज़रूरत है, स्कैनर मशीन का और यूनिवर्सल बाइक का केबिल, तभी आप लोग यानी कि काम कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने इस वीडियो में क्या देखा, जो बीएससी बाइक को हम लोग कैसे रिपेयर करें और कैसे जाँच करें, ये सब अनुभव तजुर्बा अगर आप लोगों के पास नहीं रहता है तो आप लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे और बीएससी बाइक का काम नहीं कर पाएंगे। तो मेरे चैनल पे आप लोग टिके हो, इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ भी काम आए और आप लोग अपने दुकान में काम करके अपने दुकान को आप लोग चला सकते हैं। अब सवाल है ये सब प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, यानी कि स्कैनर मशीन, फ्यूल मापने का मीटर मशीन और यूनिवर्सल बाइक का केबिन, ये सब कहाँ मिलेगा? तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर है और एक वेबसाइट है, वहाँ से भी आप लोग परचेस कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप से यानी कि बात कर सकते हैं और यानी कि ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम वीडियो समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।